हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर मैं एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट टू लेकर आई हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हम करेंगे, पहले हमने हिस्ट्री लिखा था उसके थंबनेल पे, लेकिन वो हमारा ऑलमोस्ट एंशियंट हिस्ट्री था। कुछ क्वेश्चन मेडिवल और आधुनिक भारत के आ गए थे, मॉडर्न इंडिया के। बट अब से हम जो भी सीरीज शुरू करेंगे वो टॉपिक वाइज, और फिर अभी पूरी एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद हम मिडिबल और मॉडर्न हिस्ट्री पर आएंगे। इसमें मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पूरा सिलेबस यहाँ पर ख़त्म करूँगी। और ये जो मैंने ये पेपर तैयार किया है, ये मेनली जो PGT नवोदय विद्यालय में एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर जो हमारा लोअर का एग्ज़ाम होने वाला है UP SSSC के द्वारा, और उसमें जो GK का पोर्शन होता है GS का, उसमें हिस्ट्री एक बहुत ही अहम रोल निभाती है। तो उसमें हिस्ट्री वन लाइनर आएगी, और हम जो डिस्क्रिप्टिव कोर्स कर रहे हैं UPSC मेंस के लिए, वो तो चलता ही रहेगा जैसे चल रहा है। ये जो हमने हिस्ट्री का पोर्शन शुरू किया है, सिर्फ ये वन लाइनर्स के लिए शुरू किया है, जो आप ट्रैवलिंग के दौरान और किसी काम करते करते, कोई भी काम करते करते ये पूरा कोर्स आप सुन सकते हैं। और जब पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो एक कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से एंशियंट हिस्ट्री बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में आ चुकी हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम में। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे वो SSC का है, रेलवे का है, बैंक्स के हैं, GS आता ही आता है, और हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल उसमें निभाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और उसकी संस्कृति के बारे में, जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में और जो आए हुए हैं। तो पहले हम एक आए हुए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। MPPSC प्री 1990 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम में ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। एक क्वेश्चन UPPSC मेन्स 2004 में आया हुआ है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः डैश पर आश्रित होता है। तो डैश की जगह हमें फिलअप करना है, तो यहाँ पर क्योंकि वो संस्कृति पर आश्रित होता है। जब हम संस्कृति कर रहे थे UPPSC मेंस में, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मतलब क्वेश्चन का ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले क्यों कहा जाता है कि आई है, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है मृद भांड, क्योंकि जो बर्तन पाए जाते थे वो उसी के अकॉर्डिंग हम कालों का निर्धारण करते थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है कौन से युग से संबंधित है? तो वो संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ये UPPSC प्री 1996 और BPSC 1994 में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, मतलब रीजन बताना है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी। आंसर है क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, और आपको पता है कि वैदिक सभ्यता, जो कि आर्य सभ्यता भी कहलाती है, वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये UPPSC 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर है पुरातत्व संबंधी खुदाई, क्योंकि शिलालेख भी नहीं मिले हैं, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट भी नहीं पाई गई, और धार्मिक ग्रंथ भी नहीं पाए गए हैं। ये तीनों अलग ऑप्शन थे इसमें। तो पुरातत्विक संबंधी खुदाई से इसकी सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे ऑप्शन सही हैं इसमें, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ये भी सही है। लोहे और जो शस्त्र थे उनका अभाव था सिंधु घाटी सभ्यता में। ये क्वेश्चन UPPSC मेंस 2004 में आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है?
तो पुरातात्विक संबंधी खुदाई, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि यूपीपीएससी में 1996 में और यूपीपीएससी 1994 दोनों में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई, तो बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, ये चारों ऑप्शन एक साथ हैं, तो इनसे वहाँ की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में बताइए, तो मैं इसके बारे में आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, आप आंसर ही मेमोराइज कीजिएगा। ई जे एच मैके ने कहा है सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिन हीलर ने कहा है पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, और अमल नंदा घोष ने कहा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो ये तीनों कथन तीनों ऑथर्स या फिर हम कह सकते हैं इतिहासकार ने कहे हैं। ये क्वेश्चन आरएएस प्री में 2013 में आ चुका है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, ये आईएस 1994 का क्वेश्चन है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो लाल रंग का प्रयोग मुख्यतः हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मुहरों और टेरिकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, ये हमें बताना है। तो गाय का निरूपण सिंधु सभ्यता में नहीं हुआ है हड़प्पा संस्कृति में, हाथी का, गेंडे का और बाघ का निरूपण वहाँ पर पाया गया है। और मैं बता दूँ इसमें हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण और भेड़ा, इन सब का अंकन मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पर बात करूँगी कि स्थल और वहाँ पर क्या क्या खोजें हुई हैं उसका मैचिंग करना है, तो मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट आंसर। लोथल में एक गोदी पाड़ा मिला है, कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिला है, धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और बनावली में पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। तो ये आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई, तो अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया था कालीबंगन में की गई है, कालीबंगा में, ये यूपीपीएससी मेंस 2005 में आ चुका है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि एक सूची बताऊँगी, मतलब कि एक सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के नाम बताऊंगी और वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है वो बताऊंगी, जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंड कृष्णा नदी के किनारे और पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेम ऐसी हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है, लोथल भुगवा नदी के किनारे है और रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंदो सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या चीज़ें पाई गई, क्या चीज़ें हैं मेनली, उसकी विशेषताओं पर देख लेते हैं हम। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये हम जानते हैं। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ये भी जानते हैं। मातृ देवी की उपासना की जाती थी क्योंकि यहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं औरतों की, मतलब लेडीज़ की, और लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए, चारों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे कि आलमगीरपुर कहाँ पर है, किस स्टेट में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में स्थित है, रोपड़ पंजाब में स्थित है, और कालीबंगन हम बात करें तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेम वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके रिपीट है,
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनावली हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और राखीगढ़ हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर राखीगढ़ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, हम हड़प्पी स्थल की बात करेंगे और उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। जैसे कि मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगल राजस्थान में, राखीगढ़ हरियाणा में। अब हम बताएंगे यहाँ पर कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल में कौन सिंध में स्थित है। यहाँ पर तो सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, ये दोनों सिंध मतलब कि पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। हड़प्पा और सुरकोतड़ा दोनों गुजरात में, यहाँ पर इंडिया में स्थित है। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे एच मैके ने, इसका उत्खनन किया था और ये करवाया था इन्होंने 1935 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये यूपीपीएससी 1994 में आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करें रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र मीन गुजरात में रंगपुर मिलता है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय स्थल है, कहाँ का, पंजाब का। दधेरी पंजाब का स्थल है जो कि लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो लोथल भारत में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही भारत से बाहर स्थित हैं, मतलब कि पाकिस्तान में स्थित हैं। ऐसा हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है, मतलब कि लोथल किस नदी पर स्थित है। इन्होंने घुमा के पूछा है क्वेश्चन, तो लोथल भुगवा नदी पर स्थित है जैसे कि हमने पहले ही बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, फिर वही लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह, सेम लोथल क्वेश्चन, तो जो भी बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका आंसर लोथल ही होगा। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो पाटलिपुत्र नहीं है। यहाँ पर कालीबंगल, रोपण और लोथल ऑप्शन है, ये तीनों हैं, पाटलिपुत्र नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, तो अब तक जो पाया गया है वो है राखीगढ़, जो कि सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है और सेकंड नंबर पर आता है धौलावीरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी, तो सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। गंगा जमुना इसमें बिल्कुल नहीं आएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ शक्ति में या मातृ देवी की पूजा में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की भी पूजा करते थे, ये उत्तराखंड पीएससी मेंस में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, मतलब खुदाई किसने करवाई थी, तो ये करवाई थी सर जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहिनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीयों के नाम प्रमुख हैं, वो कौन से हैं, तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहिनी। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, लोथल की खोज की थी एस आर राव ने, सुरकोटता की खोज की थी जे पी जोशी ने और धौलावीरा की खोज की थी आर एस बिस्ट ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक कौन था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, जिसने पहले इसके बारे में जानकारी तो उसे प्राप्त हुई लेकिन उसने इसकी खुदाई नहीं करवाई और उसको समझा नहीं, वो था ए कनिंघम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है,
तो इसमें जो है वो मैं बता देती हूँ, नहीं से आपको कोई नहीं मतलब होना चाहिए। आर डी बैनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स संबंधित है, वी और स्मिथ नहीं है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से घरों के अंदर कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब यहाँ पर बताना है कि सबसे पहले क्या चीज़ मिली थी और सबसे बाद में क्या चीज़ मिली है। तो सबसे पहले नगर संस्कृति पाई गई थी, उसके बाद लोहे के हल बने थे, फिर आहत मुद्रा जिसे चांदी का सिक्का कहा जाता है वो बना था, और उसके बाद सोने के सिक्के चले थे। तो ये कालक्रम के अनुसार मैंने बताया आपको। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? तो लोथल में मिला है हाथी दांत का पैमाना, जो कि गुजरात में है। हड़प्पा में कौन से धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो बार बार बता चुके हैं कि हड़प्पा में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। तांबा, चांदी, सोना तीनों मिला था, लोहा नहीं मिला था। कौन सा स्थल घग्घर और की सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वो है बनावली। घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, जो कि हरियाणा में है। बनावली स्थल, ये आरएएस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं आपको फैक्ट बताऊंगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण है, कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। एक इसमें ऑप्शन और है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये गलत है बिल्कुल। उनको चांदी, सोना और तांबे का पता था। तो ये एमपीपीएससी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं धौलावीरा से, जो कि हड़प्पा संस्कृति की सेकंड सबसे बड़ी बस्ती है और गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है ये। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पी नगर तीन भागों में विभक्त था? तो वो धौलावीरा ही है जो तीन भागों में विभक्त है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा नगर तीन भागों में विभक्त था? ये ARO में 2013 में आया है, छत्तीसगढ़ PSC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी बार आ चुका है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा एक विशाल जलाशय मिला है। किस स्थल से द्विशव संस्कार मतलब कि डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि लोथल से सर्वाधिक तीन युगल समाधिकरण मिले हैं, कालीबंगन से भी एक युगल समाधिकरण मिला हुआ है। तो ये हमारे पास पूरा क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आप ये याद रख सकते हैं, लोथल से तीन युगल समाधि मिली है और कालीबंगन से एक युगल समाधि मिली हुई है। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो मानव शवाधान प्राप्त हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है, ये सनौली नामक स्थान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ पहले कहाँ किया गया? तो भारत में सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। इसकी विशेषता, ये एक लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और नेक्स्ट इसमें है, इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों ऑप्शन सही हैं बिल्कुल। ये IAS में 2011 में आ चुका है और MPPSC 2012 में भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, यहाँ पर कुबड़ वाले बैल की आकृति की मुहर मिली हुई है। इसमें से किस पशु के अंकन
हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं है। सेम वही चीज़ क्वेश्चन फिर से रिपीट है। तो मैंने आपको सारे नाम बता दिए थे, जैसे कि बैल, हाथी, भेड़, और इन सब के हैं चिन्ह आकृति पे, घोड़े के नहीं हैं, गाय के नहीं हैं, इन सब के नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया 2011 का क्वेश्चन है। मृड पत्तिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? मतलब मिट्टी की पट्टी जो बनी है उस पर सिंह युग देवता मिले हैं काली बंगन से। इसमें एक और यहाँ पर दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है, यहाँ पर एक और बकरी को दिखाया गया है जिसे पुरुष ला रहा है, और जैसे ये बलि की जैसी पिक्चर इसमें दिखाई गई है। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो मिस्र की सभ्यता। ये थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये यूपीपीएससी मेंस 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। नेक्स्ट हमें बताना है, कालक्रम बताना है कि कौन सी सभ्यता पहले आई और कौन सी सभ्यता बाद में आई, और ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये RO 2016 का क्वेश्चन है। इसमें मैं आंसर आपको बता दूं, पहले आई एजटेक सभ्यता, फिर आई माया सभ्यता, फिर आई मुस्का सभ्यता, और फिर आई इंका सभ्यता। नेक्स्ट हम बात करें, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने का प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो ये सुमेरियन सभ्यता थी, जिसमें लेखन कला की विकसित प्रणाली विकसित हुई थी, तो सुमेरियन सभ्यता। तो ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि RAS 1992 में आया हुआ है। और हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है, सर्वमान्य तिथि के बारे में हम बात करें, जो कि NCERT में दिया हुआ है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, और इसको हम पाक आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं, और इसे कांस्य युग भी कहा जा सकता है। और इस सभ्यता के जो निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। हम इसमें बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरास्थल था वो दाश नदी के किनारे था, सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में है। सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल, मतलब कि ये मैंने चारों रेक्टेंगल बता दिए कि इसके बीच में ही सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र अहमदनगर में है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता में केवल 6 बड़े नगरों को संज्ञा दी गई है। वो 6 बड़े नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त हुए हैं हड़प्पा संस्कृति के, वो गुजरात में प्राप्त हुए हैं। और 2 बंदरगाह लोथल के बारे में तो हमने बार बार बात की, लेकिन सुरकोतदा ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था, तो लोथल और सुरकोतदा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो से जो बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है उस वो मोहनजोदड़ो के मध्य में स्थित था। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन दोनों से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से ही 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसे पशुपति नाथ कहा गया है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चहुंदड़ों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाई से बाई लिखी जाती थी, और जब
अभिलेख एक पंक्ति से अधिक का होता तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के जो दरवाजे होते थे और खिड़कियां होती थी वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, वो पीछे की तरफ खुलते थे। केवल लोथल नगर ऐसा था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के निवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर धान की भी खेती होती थी। और सर्वप्रथम अगर साक्ष्य पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे लोथल। सुरकोतड़ा, कालीबंगल और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की जो इकाई होती थी वो 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग जो यातायात के लिए दो पहिए एवं चार पहियों की बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा एक शब्द वर्णित है। इसका मतलब जो लगाया गया है वो सिंधु सभ्यता से ही लगाया गया है, मतलब कि मेलुहा सिंधु सभ्यता को कहा जाता था। जो यहाँ पर शासन था वो वणिक वर्गों के हाथों में था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत राज्य की जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा है। ये किसने कहा है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप लिखेंगे पिगट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। इसका अर्थ सूर्य की उपासना से लगाया जाता है और यहाँ पर मंदिर, किसी की भी मंदिर के पाए जाने का अवशेष नहीं मिला है। कुबड़ वाला सांड इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पूजनीय था। ये लोग सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। और ये जो इनके बर्तन थे हमने पहले ही बताया, लाल रंग के होते थे और उस पे काले रंग से लोग डिजाइन भी करते थे। ये लोग तलवार के बारे में नहीं जानते थे। कालीबंगन एक ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है, केवल एक यही कालीबंगन है, जहाँ निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधो सभ्यता कि विनाश का जो सबसे प्रभावी कारण हो सकता है वो बाढ़ हो सकता है। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में जो चर्चा करेंगे वो अपने जो कि हम मेंस का लेक्चर जो कर रहे हैं हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें करेंगे इसके बारे में पूरे अच्छे से डिटेल, एक एक चीज़ के बारे में। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था उस समय। तो मैं यहाँ पर आपको प्रमुख स्थल के बारे में बताऊंगी, कौन सी नदी के किनारे है, उत्खननकर्ता कौन है, उसके कौन से वर्ष में खोजा गया था और उसकी स्थिति कहाँ है, मतलब कि वो कहाँ पर स्थित है। तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट शहर है। सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा की। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी उत्खनन किया था इसका 1921 में, और ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। दूसरा है मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है। उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी 1922 में। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। थर्ड बात करेंगे चहुंदड़ो की। सिंधु नदी के किनारे गोपाल मजूमदार इसके उत्खनन करता है 1931 में किया था। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल और बी के थापर ने इसका उत्खनन किया और ये 1953 में किया था। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कोट दीजी ये सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद ने इसका उत्खनन किया 1953 में और सिंध प्रांत के खैरा
खैरपुर में है ये, और सिंध प्रांत मींस पाकिस्तान में। रंगपुर, ये मादर नदी के किनारे रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया 1953-54 में, गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है। रोपड़, ये सतलुज नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया 1953-56 के बीच, और पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। लोथल, भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया 1955-62 में, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है ये। आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन किया 1958 में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। सुत कांगेटोर, ये दाश्क नदी के किनारे है, ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन करवाया 1927-62, पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है। बनमाली, ये रंगोई नदी के किनारे है, रविंद्र सिंह बिस्ट ने इसका उत्खनन करवाया 1974 में, हरियाणा के हिसार जिले में। धौलावीरा, ये रविंद्र सिंह बिस्ट ने उत्खनन करवाया 1990-91 में, और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो आज हमने पूरे एंशियंट हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात की, और इसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं आने वाला। आज हमने ये पूरा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, काफ़ी लंबा लेक्चर है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में वैदिक सभ्यता का लेकर आऊँगी, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे, और उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये श्योरिटी है। तो आप इस ऑडियो लेक्चर को बार बार सुनिए और इसको रिवाइज करते रहिए जब तक आपको लर्न ना हो जाए। तो हमारी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।